दोस्त का दुश्मन दोस्त नहीं होता। तुम किसको दुश्मन समझते हो? शेर शेर तब बनता है जब वो जख्मी हो जाए। जो इतनी छोटी सी बात पर जंग छेड़ दी तुम लोगों ने। तुम जंग समझते हो तो जंग ही सही। इस आग को दिल से निकाल कर उनके घर में लगा दो, जिसके लिए दिल की नहीं दिमाग की जरूरत पड़ती है। मगर हर माँ की ख्वाहिश यही होती है कि उसका बेटा अर्जुन बने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय फिल्म के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। विजय एक हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 11 अगस्त 1998 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में हमें नजर आए थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, मीनाक्षी, अनुपम खेर, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, सोनम, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने और इस फिल्म की कहानी लिखी थी सचिन वोमिक ने, म्यूजिक दिया था शिव हरी ने और गानों के बोल लिखे थे निदा फाजिल ने। बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 2,70,00,000 रुपए और इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 10,00,000 रुपए की कमाई की थी और अपने पहले हफ्ते में 53,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया, इस फिल्म ने 2,80,00,000 रुपए की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में 3,60,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म विजय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है और ये फिल्म सन 1988 में कमाई करने के मामले में 16वें नंबर पर थी। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, जो शायद ही आप जानते होंगे। अनुपम खेर से पहले उनका रोल दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद अनुपम खेर को इस फिल्म में साइन किया गया था। अनिल कपूर से पहले उनका रोल मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर हुआ था पर डेट ना होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद अनिल कपूर को इस फिल्म में साइन किया गया था। ये फिल्म राजेश खन्ना की डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था जो सन 1973 में आई थी। इस फिल्म में मीनाक्षी पहले सोनम वाला रोल निभाने वाली थी और मीनाक्षी का रोल श्रीदेवी और जया पर्दा को ऑफर हुआ था लेकिन दोनों ने ही इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इस फिल्म से अनुपम खेर ने पहली बार कोई गाना गाया था। उन्होंने इस फिल्म में अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल वाला गाना गाया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई विजय फिल्म के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।